हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैली में जीएसटी बिल कैसे बनाई जाए, आज हम बात करेंगे टैली में जीएसटी बिल बनाने के बारे में। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसे हम जीएसटी बिल बना सकते हैं टैली में। तो चलिए आइए चलते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहले क्या करना है, एक कंपनी आपके पास होनी चाहिए, कंपनी के अंदर परचेजिंग हो जानी चाहिए, तब आप सेल्स में जीएसटी बिल क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी कहाँ चलना है, सेल्स वाउचर में सीधा चलते हैं सेल्स वाउचर में, और यहाँ आ जाते हैं F8 प्रेस करके सेल्स वाउचर में। F8 शॉर्टकट की होती है सेल्स वाउचर की, तो यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पर बिल नंबर आ रहा है, ये बिल नंबर मैंने सेट किया है। अगर आपको ये बिल नंबर सेट करना नहीं आता है तो बताइएगा, मैं बता दूंगा। बहुत सारी वीडियोज भी क्रिएट की है, चैनल पर जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक डेटर पार्टी बनानी है हमें, तो यहाँ पर कोई भी एक डेटर पार्टी का नाम जैसे राम लिख लेता हूँ, और यहाँ पहचान के लिए D लिख देता हूँ ताकि आपको पता लगता रहे कि ये डेटर पार्टी ही है। सैंडिडेटर ग्रुप रहेगा इनका, यहाँ से सैंडिडेटर का ग्रुप चूज कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए, और एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, और फिर यहाँ पर भी ये सारी डिटेल एंटर 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 करके इसको एक्सेप्ट कराइए, ठीक है। और यहाँ सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाता है, एंटर करिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या स्टॉक आइटम मौजूद है, जैसे चीनी है तो चीनी हम सेल कर सकते हैं, तो 20 किलो चीनी हम सेल कर रहे हैं, 1 किलो का रेट 44 रुपये लगाया गया है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट गया है, शुगर ले लेते हैं, ठीक है। और शुगर लेने के बाद यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे, तो यहाँ देखिए CGST का लेजर बना हुआ है, देखिए CGST आ गया, और फिर यहाँ SGST आ जाएगा, देखिए ये SGST भी दिया गया है, तो ये देखिए CGST और SGST दोनों आ गया। अब एंटर करके एंटर करके और एंटर करके एंटर 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 करिए, और यहाँ पर लिख दीजिए द गुड्स हैव बीन सोल्ड, नरेशन में आप ये दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, बस जीएसटी बिल तैयार। देखिए कितना आसान है, ठीक है। यहाँ पर जा करके यहाँ से अल्ट पी एंटर और यहाँ आई बटन प्रेस कीजिएगा, तो ये आपका जीएसटी बिल तैयार है। आप चाहते हैं कि हम अपने दुकान का नाम भी यहाँ पे दें, ये बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, ये यहाँ पर जा करके ये टाइटल दिया गया है, यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ अपने दुकान का नाम दीजिएगा, जैसे कि राजू किराना सेंटर, किराना सेंटर ये दुकान का मान लीजिए नाम है, ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया है, और एंटर करिएगा। और यहाँ प्रीव्यू इसका देख लेते हैं कैसा दिखा रहा है, तो देखिए यहाँ पर अब लिखा हुआ आ रहा है राजू किराना सेंटर, देख रहे हैं। तो इस तरीके से जीएसटी बिल बनाई जा सकती है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। डिटेल में जानकारी के लिए लाइव क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।